गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। यस कम फास्ट बेटा। ऐशराज, तमन्ना, हितांशु, कृष्णा, सोनाक्षी, कितने बच्चे हैं अभी? तो बहुत धीरे धीरे क्लास अटेंड करते हो, कहाँ चले जाते हो पता नहीं बेटा। लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट बेटा, क्लास स्टार्ट करें आज की? यस मैम। ओके यस। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे? यस मैम। चैप्टर थर्ड जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स अभी रिमेनिंग है, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट तो मैंने कल सेंड किए थे आपको, आई होप अपने नोट डाउन कर लिए होंगे नोटबुक में। यस मैम कर लिया। ओके यस मैम। टुडे आई विल सेंड सम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर थर्ड, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक आल्सो दैट। ओके यस मैम। Now, today we will start chapter number 4. Chapter 4 start करेंगे, क्योंकि मैं आपको third के question यदि board पे करवाती तो आप मतलब उसको उतारते तो हो नहीं बेटा, मतलब किसी को proper board पे दिखाई नहीं देता है या कोई speed से note नहीं कर पाता है, तो इससे better है कि मैं आपको send कर दूंगी, आप learn कर लेना और write कर लेना उसको, ठीक है? इससे चल हम अगला chapter है उसको discuss कर लेते हैं, that मुझे तो ये ठीक लगा जरा। चैप्टर फोर्थ कौन सा है हमारा? क्लीन। टुगेदर। क्लीन टुगेदर मीन टुगेदर, इसका क्या मीनिंग हो गया बेटा? मिलजुल कर साफ रहना, साफ रखना, सब कुछ अच्छी सफाई भी रखना, आसपास की भी रखना, हर जगह की रखना, स्कूल हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, कुछ भी हो, सब जगह क्या होनी चाहिए? क्लीननेस, साफ सफाई, साफ सफाई होनी चाहिए। यही इस चैप्टर में आपके बताया है। आपके पास बुक्स नहीं है बट मैं अभी साथ में रीड भी कर दूंगी चैप्टर और आपको समझा भी दूंगी, है ना? अच्छे से सो लिसन प्रॉपरली। ओके बच्चों, लिसन यस मैम प्रॉपरली। यस मैम। इन आवर स्कूल, In our school, 2nd October was being celebrated as Gandhi Jayanti. ये सबको पता है कि 2nd October जो है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जयंती होती है, इसलिए। Because of the birth of महात्मा गांधी। गांधी। गांधी जयंती। जयंती। आते हैं ना 2nd October को क्या होता है इनका? बर्थ होता है। ये हम गांधी जयंती मनाते हैं 2nd अक्टूबर को, स्कूल्स में भी सेलिब्रेट की जाती है ना? जो स्कूल्स होते हैं वहां पे भी सेलिब्रेट की जाती है गांधी जयंती। अब देखो, ऑन दिस डे क्लीननेस कैंपेन वाज बीइंग कंडक्टेड ऑन थ्रू आउट इंडिया। अब गांधी जयंती पे क्या होता है, 2nd अक्टूबर गांधी जयंती जब आती है तो पूरे देश में, थ्रू आउट द इंडिया, पूरे देश में क्या मनाया जाता है? साफ सफाई का दिवस भी मनाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान। सुना है ना सबने? और कुछ नहीं तो वो जो गाड़ी आती है उसमें सुना होगा, स्वच्छ भारत अभियान वाली, कचरा उठाने वाली, है ना? तो इसी का हिस्सा है स्वच्छ भारत अभियान का वो। तो हर जगह ये एक 2nd अक्टूबर पे ये मनाया जाता है स्वच्छ भारत अभियान, इसका कैंपेन कंडक्ट किया जाता है। कैंपेन मतलब स्कूलों में भी इस तरह का अभियान चलाया जाता है, कैंपेन हो गया एक अभियान चलाना। तो क्लीननेस का अभियान चलाया जाता है, साफ सफाई का, वो कहाँ हो सकती है? हमारे मोहल्ले में भी हो सकती है और हमारे स्कूल में भी हो सकती है। तो ऐसा ही स्कूल की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, एक स्कूल की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ फ्रेंड्स हैं, वो भी 2nd अक्टूबर गांधी जयंती मना रहे हैं और एक कैंपेन चला रहे हैं, किसका? क्लीननेस का। किसका? क्लीननेस। मैं राइट कर देती हूँ। कैंपेन
ऑफ कैंपेन ऑफ क्लीननेस, ठीक है, साफ सफाई का एक अभियान ये चलाया जाता है किसमें, स्कूलों में। ऐसे ही एक स्कूल में इसी तरह का अभियान चलाया गया क्लीननेस का, क्लीन इंडिया कैंपेन। इसको क्या कहते हैं, क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, इसे हम हिंदी में स्वच्छ भारत अभियान भी कहते हैं। ये कब चलाया जाता है, ऑन 2 अक्टूबर। ओके, इसी तरह का कैंपेन चलाया गया कहाँ पे, एक स्कूल में। उस स्कूल में एक सुनीता है, सुनीता नाम की स्टूडेंट है। सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन। सुनीता ने उस कैंपेन में बहुत एक्टिवली, मतलब एक्टिव होके बड़े जोश के साथ उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट। अब मान लो आपके स्कूल में ऐसा हो तो आप भी तो उसमें पार्टिसिपेट करोगे ना, बिल्कुल। yes, ma'am. है ना? तो ऐसे ही सुनीता नाम की गर्ल है, स्टूडेंट है, जो भी क्या कर रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आफ्टर द कैंपेन एंडेड, सुनीता ऑब्जर्व द स्कूल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब स्कूल में देखो ये अभियान चलाया गया, कैंपेन चलाया गया, साफ सफाई की गई। स्कूल में कैसे साफ सफाई कर सकते हैं, मान लो स्टूडेंट्स हैं, उनका ग्रुप बना दे, आप ही हो, मान लो आपकी क्लास चल रही है, फिजिकली क्लासेस चल रही है, आपका ग्रुप बना दिया जाए कि बेटा आप 10 स्टूडेंट्स का वन ग्रुप है, 10 स्टूडेंट्स का ये ग्रुप है, 10 स्टूडेंट ये स्वाति का ग्रुप हो गया, 10 स्टूडेंट देशराज का हो गया, नरेश हो गया, इसमें ऐसे करके के मान लो 10-10 बच्चों का 3 ग्रुप बना दिए कि आपको किसकी करनी है, लॉन की करनी है। लॉन में मान लो ड्राई जो लीव्स पड़ी हैं या और कुछ कचरा, कोई पेपर्स हैं, कुछ भी पड़ा है, वो आपको वेस्टेज उठाना है और डस्टबिन में थ्रो करना है, एक जगह कलेक्ट करना है, ठीक है। और कोई है जिसको दे दी क्लास की, दे दी कि आपको अपनी क्लास की साफ सफाई करनी है, बोर्ड डेकोरेट करना है या वॉल्स वगैरह पे कुछ हो रहा है उसकी सफाई कर दो, नीचे सफाई कर दो, ठीक है ना, इस तरह से। और कुछ बता दिया काम एक ग्रुप को, तो इस तरह से साफ सफाई का वर्क करने के बाद में सुनीता ने क्या फील किया कि हमारी स्कूल जो है बहुत ज्यादा क्या हो रही है, अच्छी लग रही है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आफ्टर द रीचिंग होम सुनीता टोल्ड हर मदर। उसके बाद घर जाने पे सुनीता ने अपनी मदर को भी ये चीज बताई, एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग अवर हाउस। मतलब बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे देखो एक काम को भी कर लिया तो बड़े ऐसे क्यूरियोसिटी हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो ये काम हम घर पे भी करेंगे, मम्मी को भी बताएंगे। तो वो अपने घर पे जाके अपनी मदर को बताती है और फिर मदर को भी बोलती है कि मैं आपकी भी हेल्प करूंगी। बड़े ऐसे जोश आ जाता है बच्चों में, आप में भी आता होगा ना, आता है, सब में आता है, सब में होता है कि नहीं मम्मी मैं भी आपकी, मैंने आज स्कूल में भी ये काम किया था, चलो मैं भी आपकी घर पे भी हेल्प करूंगी, बताओ मैं क्या हेल्प करूं आपकी। ओके, स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन जिसे हम कहते हैं इज ए कैंपेन रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो अभियान है, ये जो कैंपेन है, ये किसके द्वारा चलाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया मतलब भारत सरकार के द्वारा, हमारी भारत सरकार के द्वारा ये अभियान चलाया गया। इस अभियान में क्या बताया गया, टू क्लीन द स्ट्रीट्स रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मतलब कि कहाँ की सफाई करनी है, कि हमारे भारत को स्वच्छ बनाना है। भारत में हर हर गली मोहल्ला रोड स्ट्रीट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोई भी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, कोई भी हर चीज की जहां गंदगी दिखे वहां पे साफ सफाई करना। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज 4014 स्टैचुरी टाउन्स एंड सिटीज। तो कितनी जगह पे ये चलाया गया अभियान, इतनी जगह पे, इतने टाउन सिटीज में ये अभियान चलाया गया एक साथ। द कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन, अब इसको लॉन्च मतलब इस कैंपेन की स्टार्टिंग कब की गई थी, 2 अक्टूबर तो है ही, सबको पता है, पर तब की गई थी 2014, ठीक है। स्टार्टिंग कब की गई थी इसकी, किसकी,
क्लीन इंडिया कैंपेन की, किसने की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें क्या किया गया? टाउन सिटीज स्ट्रीट्स रोड्स इनकी क्लीननेस करने के लिए, ठीक है ना। और कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। ओके, कहाँ पे किया गया? एट राजघाट। कहाँ? एट राजघाट। राजघाट ये कहाँ पे है बेटा? इन न्यू दिल्ली में है ये। कहाँ पे है राजघाट? न्यू दिल्ली में है। और बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, किसके द्वारा? जो हम हमारे अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन? नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र दामोदर प्रसाद मोदी, ठीक है। इनके द्वारा इसको क्या किया गया? लॉन्च किया, मतलब इन्होंने शुरुआत की, उसका प्रारंभ जो किया, किसने किया लॉन्च? किसने किया? न्यू कहाँ पे? राजघाट में। राजघाट बेटा कहाँ है राजघाट? ये जो इनकी बनी हुई है ना, गांधी जी की जो समाधि स्थल बना हुआ है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। पीएम मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय, उन्होंने क्या किया? इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। आज भी 7 स्टूडेंट्स ही हैं, ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बच्चे सारे। अब तो वैसे भी बड़ी स्कूल ओपन होने वाली है ना। यस मैम। तो कितनी तारीख से खुलने वाली है? गुड न्यूज़ सबको मिली है ना मैम? कितनी तारीख से खुलने वाली है? अभी तो देखो पेपर में तो 2 तारीख का ही आया है, और बाकी वो तो स्कूल से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना, जब भी होगा। अभी कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, वो उतनी है जितनी न्यूज़पेपर में आई है। न्यूज़पेपर में जो ना, ओके, आफ्टर सम डेज व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल, शी सॉ हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी। अब थोड़े दिनों बाद वही सुनीता, कौन सुनीता? जो स्कूल में कैंपेन में जिसने पार्टिसिपेट किया था। अब थोड़े दिनों बाद में क्या हुआ? आफ्टर सम डेज ही वाज गोइंग टू स्कूल। वो क्या कर रही थी? स्कूल जा रही थी। तो रास्ते में जो उसकी लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब जहां से वो जाती है स्कूल, लोकेलिटी मतलब उसके आसपास, कि जिस रास्ते से वो हमेशा स्कूल जाते थे, उस रास्ते में उसने क्या देखा? क्या देखा उसने? हीप ऑफ गार्बेज। हीप ऑफ गार्बेज। गार्बेज, गार्बेज क्या होता है बेटा? सबको पता होगा कचरा होता है। तो हमने कूड़े कचरे का ढेर देखा। कहाँ पे देखा? अपनी लोकेलिटी मतलब अपने एरिया में, अपने ही मोहल्ले में देखा, जिस रास्ते से वो स्कूल जाती है वहां पे। शी डिड नॉट लाइक इट, उसे अच्छा नहीं लगा। ऑब्वियसली जो साफ सफाई रखता है उसको नहीं अच्छा लगेगा। मैम, मैम, बेटा कुछ बोल रहे हो क्या आप? कुछ पूछ रहे हो क्या बेटा? कौन बोल रहा था अभी? क्या आपस में बातें कर रहे हो? उसको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो भी साफ सफाई रखता है उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे आपकी मदर सफाई करती है ना, कितनी मेहनत से, और आप क्या करते हो? कहीं पे कोई पेपर डाल दिया कट करके, कहीं पे कुछ, कहीं पे टॉफी का रैपर डाल देते हो, कभी कोई बच्चा शैतान होता है जो कहीं कुछ डाल देता है, तो कितना गुस्सा आता है मदर को, क्योंकि वो इतनी मेहनत से साफ सफाई करती है। और ये कितनी बैड हैबिट होती है, इधर उधर जो डस्ट जो वेस्टेज होता है उसको थ्रो करना, ठीक है, इसलिए उसको भी अच्छा नहीं लगा। ओके, इन द स्कूल शी डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स। घर स्कूल में जाने के बाद उसने ये चीज को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या किया? डिस्कस किया। सुनीता सेड दैट वी केप्ट आवर स्कूल होम एक्सेट्रा क्लीन। सुनीता ने क्या कहा? कि हमें हमारा घर ही नहीं, घर के साथ हमारी स्ट्रीट्स जो होती हैं, स्ट्रीट मतलब गलियां जो होती है, हमारा मोहल्ला है, और इसके अलावा हमारे स्कूल है, होम है, हर चीज को हमें क्या रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए। अब देखो घर में सफाई कर दी, मान लो हमने घर पूरा बड़ा पोचा वोचा लगा के क्लीन कर दिया मॉप वॉप से, है ना, और घर सारा कचरा उठा के घर के बाहर आगे डाल दिया गली में, तो ये क्या समझदारी है? इंटेलिजेंसी वाली बात है क्या? अरे तुम कचरा ले जाके दूसरों के घर के आगे डाल दोगे, अपने घर में सफाई, तो ये अच्छी बात है? नो, इट्स वेरी बैड। मतलब हमें कचरा भी जो होता है सबके घरों में होता है, देखो कचरा सबके घरों में होगा, इंसान रहते हैं तो सबके घरों में होता है, लेकिन उसको भी एक थ्रो करने का या कलेक्ट करने का एक तरीका होता है, वे होता है,
कि आपके घर के बाहर जो गवर्नमेंट का डस्टबिन हो या फिर कचरे की गाड़ी आ रही हो तो प्रॉपर उसमें आप डालो, ये नहीं इधर उधर गली मोहल्ले चलते फिरते कुछ खा लिया और वहीं उस पे गिरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से एक करता है, दो करता है, इससे करने से क्या होता है, गंदगी धीरे धीरे जमा होती रहती है और वो उड़ के हवा के साथ हमारे घर में वापिस आ जाती है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, जो वेस्टेज होता है उनका उसको प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए। बट द स्ट्रीट्स आर कैप्ट डर्टी, तो उसने क्या कहा कि हम घर की स्कूल की सफाई कर रहे हैं लेकिन हमारी जो स्ट्रीट्स हैं, जो हमारी जो गलियां हैं, घर साफ कर लिए, स्कूल साफ कर लिए पर गली मोहल्ले साफ नहीं किए। अरे हमें तो जाना तो गलियों में से ही है, हम कोई स्कूल से उड़ के घर पे थोड़ी चले जाएंगे या घर से उड़ के मार्केट चले जाएंगे, जाना तो रास्ते में से ही है। और रास्ता ही यदि साफ सुथरा नहीं होगा तो क्या हो सकता है, हमें जहाँ से निकलते हैं मक्खी मच्छर गंदगी रहेगी तो बीमारियां हमें पकड़ेंगी, ठीक है, हमारा जाना निकलना मुश्किल हो जाएगा वहां से। नहीं देखते क्या बेटा, अपना माइक ऑफ कर लो जहाँ से आवाज आ रही है। हम कई बार क्या होता है बारिश, चलो अभी इस वजह से ये रेनी सीजन चल रहा है, अभी इस टाइम कई गलियों में क्या होता है कुछ लोग कचरा इधर उधर डाल देते हैं तो बारिश की वजह से वो और भी गंदगी हो जाती है वहाँ पे। तो मान लो हमें जाना पड़ जाए तो हमें कैसा फील होता है, बहुत गंदा लगता है वहाँ से निकलना भी, है ना, लगता है ना। यस मैम, हमें गलियों मोहल्लों की भी सफाई करनी चाहिए, नहीं है सिर्फ स्कूल में घर में साफ कर लिया बाहर कचरा है, नहीं, गली मोहल्ले सब जगह सफाई रहेगी तभी तो वो साफ सुथरा लगेगा। हमारा इंडिया, इंडिया का मतलब घर ही थोड़ी होता है, गली मोहल्ला सड़क सब कुछ तो आता है इसमें, ओके। बट व्हाट वाज द यूज ऑफ सच क्लीननेस, फिर साफ सफाई का क्या मतलब हुआ यदि हम बाहर ही सफाई नहीं करेंगे तो। प्रतीक एट वंस इंटरप्टेड, दिस इज नॉट अवर वर्क। अब भाई वो आपस में बातें कर रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, फिर उन्हीं में एक बच्चा था ऐसा नरेश के जैसा कोई बच्चा प्रतीक, तो उसने क्या कहा, अरे ये गली में सफाई करना क्या हमारा काम है, उसने ऐसे बोल दिया कि इट्स नॉट अवर वर्क, हमारा काम थोड़ी है गली मोहल्ले में, सब ऐसे सोचेंगे तो गली मोहल्ले में तो सफाई नहीं होगी, सब भाई पूरी गली में तो नहीं, बट हम अपने घर के आसपास सब अपने अपने घरों के आगे साफ करेंगे तो अपने आप स्ट्रीट साफ हो जाएगी। बेटा ये किसी कहां से आवाज आ रही है, ये नरेश देशरा चितांशु आप में से किसके आसपास से वॉइस आ रही है, माइक ऑफ रखो, आवाज आ रही है आसपास से बहुत ज्यादा। ये हितांशु देशराज, माइक ऑफ करो अपना सब, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी तभी माइक ऑन करना क्योंकि आपके आसपास की आवाज मेरे तक आ रही है, ठीक है। अब वो एक बच्चा है बीच में ही बोल रहा है प्रतीक कि ये हमारा काम थोड़ी ना है, नहीं ये तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो करेंगे। अरे हमारा क्यों नहीं है, हमारे घर के आगे हम करेंगे, पड़ोसी है वो अपने घर के आगे करेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सब अपने अपने घर के आगे सफाई करेंगे गली में तो गली तो अपने आप ही साफ हो जाएगी ना। But can we do about it? हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ओके? समझ में आ गया बेटा? Yes ma'am. Yes ma'am. Cleanness के बारे में क्या पढ़ा है हमने? Campaign of cleanness. ये एक स्कूल में चलाया गया, कब चलाया गया, 2nd October पे, एवरी 2nd October हर साल 2nd October पे क्लीन इंडिया कैंपेन चलाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान भी कहते हैं। कौन रन करता है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की सरकार के द्वारा चलाया जाता है। सबसे पहले 2nd October 2014 से ये शुरू किया गया, कहाँ पे, राजघाट न्यू दिल्ली, किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया इतना तो, ये याद रखने वाली चीज है क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी बनेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो यही वाले बनेंगे। अब इसके अलावा हमने वो स्टोरी भी पढ़ ली है जो हमारे चैप्टर में थी। यस मैम। आगे ओके, अब बिगनिंग, सुनीता वाज वेरी हैप्पी
Today her brother and sister-in-law who lived in the city were coming. Sunita जो थी वो बहुत ज्यादा खुश थी आज. खुश क्यों थी? Why she was happy? Because उसके जो brother और sister-in-law जो थे वो क्या थे? City से, शहर से वापिस आ रहे थे घर पे. Her brother and sister-in-law brought many gifts for her. मतलब उसके भाई और भाभी आए थे, बहुत सारे gifts लेके आए थे, तो obviously खुशी होगी वो. All were very happy at the arrival. After some time, her sister-in-law asked, "Where is the toilet?" फिर उसके बाद उसकी भाभी ने पूछा कि किसको पूछा? सुनीता को कि यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पे है. सुनीता टोल्ड हर देयर वाज नो टॉयलेट इन द हाउस, कि घर में कोई भी टॉयलेट नहीं है. हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन. शी सेड दैट आई प्रैक्टिस फर्दर एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो आउट फॉर द टॉयलेट इन द ओपन. दिस इज शेमफुल. Listening to his daughter-in-law, grandfather said, "She's absolutely right." देखो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, ये समझ में आया क्या बेटा आपको कि क्या है इसमें? क्या बताया मैंने अभी, क्या रीड किया है? बहुत नॉर्मल से सेंटेंस है इसमें तो, कि उसके भाई भाभी जो आए हैं मिलने के लिए, ब्रदर सिस्टर इन लॉ, और उसकी भाभी को टॉयलेट जाना है, तो उन्हें पूछा कि घर में टॉयलेट कहाँ है, तो उसने कहा नहीं घर में तो नहीं है टॉयलेट. ऐसा देखो सिटी में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट कुछ गांव ऐसे हैं, अब गांव में भी ऐसा नहीं रहा है, लेकिन कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जिनमें घर के अंदर टॉयलेट नहीं बनाते हैं. हालांकि गवर्नमेंट जो है, हमारी सरकार है, इसके लिए पैसे भी देती है लोगों को कि भाई पैसे हम दे रहे हैं, आप टॉयलेट तो बनाओ घर में, बाहर नहीं जाना पड़े. अभी भी जैसे हमारे आसपास के एरिया में भी कुछ लोग मिल जाते हैं सुबह सुबह बाहर जाते हुए. तो ये सब क्या है? ये गंदगी तो होती है इससे. घर में टॉयलेट बनाओ, साफ सुथरा रखो, गंदगी भी नहीं होगी. मतलब आप घर साफ रखते हो और दूसरों के यहाँ बाहर जाके गंदगी फैला दो, वही गंदगी पॉल्यूशन वो हवा में मिक्स होके हमारे पास भी पहुंच जाता है फिर, है ना. तो कुछ गांव में अभी भी ऐसे हालत है कि टॉयलेट्स लोग नहीं बनाते हैं, बाहर जाते. तो उसकी भाभी ने कहा कि ऐसे तो हम घर में घूंघट रखते हैं ना ज्यादातर घरों में, और किसी की मदर भी रखती होंगी, इतना घूंघट निकाल लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम बाहर जाएं टॉयलेट करने के लिए, तो ये कितनी शेमलेस वाली बात है. फिर उसके फादर इन लॉ ने क्या कहा कि हाँ, ग्रैंडफादर ने कहा दादाजी कि ये बिल्कुल सही बोल रही है, ये बात तो सही कह रही है, कि शी इज एब्सोल्युटली राइट. लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सेड शी इज एब्सोल्युटली राइट, कि ये बिल्कुल सही बोल रही है. Call the laborers today itself and get the toilet construction the house. तो उसके दादाजी ने कहा कि चलो आज ही लेबर्स को बुलाओ और घर में क्या बनाओ, एक टॉयलेट बनाओ. These days government is also providing assistance for toilet construction. देखो मैंने अभी बताया कि government आज पैसा भी देती है लोगों को, पर लोग पता है कुछ गांव में क्या करते हैं, उस पैसे को रख लेते हैं, एक स्टोर रूम सा बना देते हैं, दिखा देते कि हाँ टॉयलेट बन गया, टॉयलेट सीट भी लगा देते हैं, लेकिन उसको काम में नहीं लेते. उसमें या तो लकड़ियां रख देंगे या पता नहीं अपना ही कोई अटाड़ा भर देंगे उसके अंदर, ठीक है, स्टोर रूम बना देते हैं उसको, और फिर बाहर जाना शुरू कर देते हैं, और गवर्नमेंट से 10-20 हजार जो उसके लिए पैसे मिलते हैं वो भी ले लेते हैं. उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं अपने घर में गंदगी होगी इससे, तो घर में गंदगी नहीं करना है और बाहर सब जगह गंदगी कर दो. ऐसी एक मूवी भी है ना, आपने देखी है कि टॉयलेट, इस तरह की एक मूवी भी बनी हुई है. Have you seen anyone? किसी ने देखी? एक मूवी भी आती है टीवी पे इसकी. No, ma'am. इस तरह के ये क्या है बेटे? एक सोशल मुद्दे है ये, एक सोशल प्रॉब्लम कह सकते हैं, एक सामाजिक समस्या है ये. एक तरह की लोगों की मेंटेलिटी, सोच कैसी हो गई है, लोग क्या सोचते हैं, हमारा घर साफ सुथरा रहना चाहिए बस, और हम चाहे कहीं भी गंदगी करें. लेकिन ये कितनी गलत बात होती है. आप बाहर अच्छा है, अब कितनी शर्म आती है बाहर जाते हुए. आजकल तो खैर ऐसा होता ही नहीं, बहुत कम होता है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी है बेटा. जब ये कैंपेन चलाया गया था ना उस समय तो बहुत ज्यादा था, अब तो धीरे धीरे सब लोगों को समझ, क्योंकि सब पढ़े लिखे होते हैं, सबको इस सब चीज की समझ होती है कि बाहर नहीं जाएंगे, सब पढ़े लिखे समझदार होते हैं. इसलिए अब लोग क्या करते हैं, सब घर में टॉयलेट बनाते हैं, गाँव में भी. शहरों में तो खैर होते ही है, ऐसा कुछ है नहीं, जगह ही नहीं है शहरों में तो, बाहर खुली खाली जगह ही नहीं मिलती है.
Seeing the toilet in Sunita's house, other people of village did not have toilet in their house, also starting constructed toilets in their house. उसके घर में टॉयलेट बनता हुआ देखकर गांव में बाकी के जो घर थे ना जहां पे टॉयलेट नहीं था तो उन्होंने भी टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया. मतलब देखो कि एक जने के पहल करने की जरूरत होती है. एक जना शुरू कर देता है ना तो पीछे सब शुरू कर देते हैं. फिर अब उन्होंने बनवा लिया तो पीछे गांव में जहां जहां नहीं थे वहां भी क्या थे, लोगों ने टॉयलेट बनवाना स्टार्ट कर दिया. ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? मतलब इस पैराग्राफ को बताने का क्या मतलब है? आप लोगों को कईयों को लग रहा होगा कि ये क्या चैप्टर है ऐसा टॉयलेट वाला बता रहे हैं, क्या है ये, कोई चैप्टर है? बेटा इसका मतलब क्या होता है, साफ सफाई से संबंधित है, ये क्लीननेस से रिलेटेड है. हमारा चैप्टर ही यही है, क्लीन टुगेदर, की हर जगह साफ सफाई रखना. तो उसमें हर चीज शामिल होगी, हर चीज बताई जाएगी आपको. अभी तो ये चीज इतनी नहीं है, पहले उस टाइम जब ये अभियान चलाया गया था, ये कैंपेन चलाया गया था, तब बहुत गांव में था जहां टॉयलेट की बड़ी समस्या थी, लेडीज को बड़ी समस्या होती थी. लेकिन धीरे धीरे अब तो बहुत कम हो गया कि सब पढ़े लिखे होते हैं, कोई भी इस तरह की नहीं करता है आजकल. लेकिन अभी भी कोई बहुत सारे कुछ बाकी है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये भी अभी भी टॉयलेट नहीं मिलते है घर में, ठीक है ना. अब तो बेटा देखो टाइम ओवर हो रहा है क्लास का, तो ये चैप्टर अभी इतना ही पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना. थोड़ा सा और है आपका चैप्टर, वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी ना हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना. बाय मैम. इससे पहले थर्ड चैप्टर पढ़ने ना अभी तो. चलो मैं थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन सेंड करूंगी आपको आज. कौन सा? जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था ना, वी आर बिट डिफरेंट, ब्लाइंडनेस वाला. उस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं ब्रेल लिपि वाले, जो ब्रेल सिस्टम वाला, उसके क्वेश्चंस भेजूंगी, वो आपको नोट करने हैं पहले. इसके क्वेश्चन मैं आपको कल सेंड करूंगी, कल चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगी. ओके बेटा, बाय मैम. बाय बेटा, सी यू टुमारो. बाय बाय मैम. बाय बेटा. बाय 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 मैम. बाय.